आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 3 बॉयल्स लॉ को डिस्कस करना है। बॉयल्स लॉ को रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया इन 1662। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली यू डिफाइन किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब भी प्रोपोर्शन के अलावा जब हम करते हैं बराबर लगाने के बाद कांस्टेंट लगाना जरूरी। K यहां पर क्या कांस्टेंट है इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। प्रेशर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आ गया PV = K एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बन गई प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर। दोबारा देख लें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस a constant quantity at a constant temperature। यानी किसी भी प्रेशर और उसके वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है। यानी P1 V1 K के बराबर, P2 V2 K के बराबर, P3 V3 K के बराबर। यानी P1 V1 का जो जवाब होगा P2 V2 का वही जवाब आएगा, P3 V3 का वही जवाब आएगा। इट मींस P1 V1 इक्वल टू है P2 V2 इक्वल टू है P3 V3 सब का जवाब कांस्टेंट यानी एक जैसा है। अब है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तजर्बाती तस्दीक। बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए कंसीडर ये हमारे पास गैस का सिलेंडर है इसमें हमने कोई गैस अंदर भर दी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0°C। ये हमारे पास गैस का सिलेंडर है इसमें कोई गैस हमने भर दी है एट 0°C और गैस सिलेंडर पर क्या ये मूवेबल फ्रिक्शन लेस पिस्टन भी लगा हुआ है और सिलेंडर के साथ क्या अटैच कर दिया मानोमीटर। शूष्क गन की ट्यूब होती है और ये ग्रेजुएटेड होती है इसको पर जो है नंबरिंग लिखी होती है इसके जरिए प्रेशर को नोट किया जाता है और इसके अंदर मरकरी भरी होगी ये मानोमीटर है। गैस का सिलेंडर अटैच्ड विद मानोमीटर मानोमीटर के जरिए प्रेशर को नोट किया जाएगा और मानोमीटर के अंदर क्या है मरकरी भरी होगी। दोनों तरफ जो है पहले मरकरी का लेवल जो होता है बराबर होता है। तो ये गैस का सिलेंडर इसमें कोई गैस भर दी और इसको भर क्या है मूवेबल फ्रिक्शन है पिस्टन लगा हुआ है और ये साथ मानोमीटर है जिससे प्रेशर नोट करेंगे और मानोमीटर के अंदर जो है मरकरी भरी हुई है और मरकरी का लेवल दोनों तरफ के है बराबर। पहले पिस्टन थोड़ा सा ऊपर होता है तो ये हमारे पास बहुत सारे जो है वेट पड़े हुए हैं पार्ट पड़े हुए हैं। जो ही एक वेट उठाकर यहां रखा जाएगा पिस्टन हल्का सा नीचे होगा, जब नीचे होगा गैस कंप्रेस होगी गैस प्रेशर डालेगी इधर से हल्के से मरकरी नीचे होगी इधर से मरकरी ऊपर आ जाएगी। तो जहां तक मरकरी का लेवल होगा वो क्या होगा प्रेशर होगा 2 तक है इट मीन यहां प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक कितना है 1 क्यूबिक डेसिमीटर है इसे V1 का। यानी शुरू में प्रेशर कितना 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक डेसिमीटर। अब इस पिस्टन के ऊपर जब मैं दूसरा वेट उठा कर दूंगा उसी के बराबर का जब दूसरा वेट रखेंगे
तो क्या होगा पिस्टन ऊपर जाएगी नीचे गैस का प्रेशर जाएगी पिस्टन ऊपर से नीचे आ जाएगा यहां से यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम क्या हो गया एक क्यूब डेसीमीटर से एक बटा दो क्यूब डेसीमीटर वॉल्यूम कम हो गया गैस कंप्रेस हो गया तो गैस और ज्यादा जोर से प्रेशर डालेगी मर्करी और डिक्रीज हो जाएगी इधर से मर्करी राइज कर देखो चार तक है प्रेशर हमारे पास पी टू कितना हो गया है फोर एटम मासफेयर और वॉल्यूम कितना है एक क्यूब डेसीमीटर इन्हें प्रेशर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है जब इस पर हम तीसरा वेट बढ़ा कर रखेंगे तीसरा वेट तो फिर क्या होगा पिस्टन मजीद नीचे आएगा गैस कंप्रेस हो जाएगी वॉल्यूम मरीज एक बड़ा दो से एक बड़ा तीन हो जाएगा गैस कंप्रेस हो गई और प्रेशर डालेगी और इधर से मरकरी नीचे आ जाएगी इधर से राइज कर जाएगी तो कहां तक है छह पर है ये प्रेशर हमारे पास पी थ्री कितना हो गया है सिक्स एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम क्या हो गया एक बड़ा तीन क्यूबिक डेसीमीटर देख रहे हैं प्रेशर दो से चार चार से छह और वॉल्यूम एक बड़ा दो से एक बड़ा तीन प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम कम होता जा रहा है प्रूफ हो गया प्रेशर वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब इस पर हम चौथा वेट उठा कर रखेंगे तो पिस्टन और नीचे आएगा यहां से और नीचे वॉल्यूम एक बड़ा तीन से एक बड़ा चार गैस और कंप्रेस हो जाएगी और जोर से प्रेशर डालेंगे मर्करी और डिक्रीज इधर से मर्करी ऊपर राइज कर जाएगी आठ पे चली गई ये प्रेशर हमारे पास कितना हो गया है आठ एटम मास और वॉल्यूम एक बड़ा चार हो गया प्रेशर दो से चार चार से छह छह से आठ बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम एक से एक बड़ा दो से एक बड़ा तीन से एक बड़ा चार प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है एडमी प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रूफ हो चुका फिर हमने दूसरी तरीके देखी है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन P1V1 इक्वल टू के P2V2 इक्वल टू के P3V3 इक्वल टू ये भी प्रूफ करना है हम कैसे देखें P1V1 P1 हमारे पास है दो एटम मास और V1 है एक क्यूबिक डेसीमीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जवाब कितना आ रहा है दो क्यूबिक डेसीमीटर एटम मास अब P2V2 P2 हमारे पास कितना है चार एटम मास V2 एक बटा दो क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे आप भी जवाब क्या आ रहा है दो क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर इसी तरह P3 V3 P3 कितना है सिक्स एटमॉस्फेयर V3 एक बटा तीन मल्टीप्लाई करेंगे आप भी जवाब क्या आ रहा है दो क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर ऐसे ही P4V4 P4 कितना है 8 एटमॉस्फेयर और V3 V4 एक बटा चार क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे आप भी जवाब क्या आ रहा है दो क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर प्रूफ हो चुका देख रहे हैं P1 V1 का जवाब दो है P2 V2 का जवाब दो है P3 V3 का जवाब दो है P4 V4 का जवाब भी क्या है फोर है साबित हो चुका है ये क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बॉयल से बाहर यहां से प्रूफ किया हमने कि प्रेशर वाले आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है एक से एक बड़ा दो से एक बड़ा तीन से एक बड़ा चार फिर ये भी देखा हमने कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट क्वांटिटी देख सकते हैं P1 V1 का जो जवाब है P2 V2 का वही जवाब है P3 V3 का वही जवाब है प्रूफ हो चुका है थैंक यू